हाउ टू गेट स्टार्टेड विद आवर वेट लॉस जर्नी. सो सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा नाना है, ही आल्सो वांट्स टू से हाय. हाय नाना, से हाय नाना. हमारा दिगंबर, हमारा बच्चा, हमारा छोटू सा फैमिली मेंबर है. एंड आपका बहुत सारा प्यार इसे भी दीजिएगा, मेरे चैनल को भी दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड प्लीज हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. यस माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर. यस माय डियर फ्रेंड्स, सो ये है हमारा नाना. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है दोस्तों जब भी कैमरा ऑन हो जाता है. तो समय ना गवाते हुए हम शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि किस तरह से आपको अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करनी है. मैं देने वाली हूँ यहाँ पर 5 टिप्स आप लोगों को जो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आप लोगों को डेफिनेटली मदद करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू पीपल गेट इंस्पायर्ड विद द वीडियो एंड ऑल्सो स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड थिंकिंग. और पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आपको बेहद ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स. सो नाना आल्सो वांट्स टू इंस्पायर यू ऑल और नाना भी आप लोगों को मदद करना चाहता है, आप लोगों को इंस्पायर करना चाहता है कि हाँ दोस्तों आप डेफिनेटली कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल. आपको ध्यान में रखनी है कुछ चीजें, कुछ बातें जो बेहद ही जरूरी होती है. और कुछ भी नहीं है मुश्किल माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. खुद पर अपना विश्वास बनाए रखेगा. तो शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो जल्दी से देखते हैं हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी. दिस टॉपिक इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 इज दैट Have strong belief in yourself. Remember, nothing is impossible. हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको खुद पर से विश्वास कैसे भी हालत में कम नहीं होने देना है. आप जो भी गोल आपने सेट किया है, यानी कि आपकी वेट लॉस जर्नी आपको अचीव करनी है, तो आपको रखना है खुद पर विश्वास और हमेशा यह याद रखना है कि कुछ भी नहीं है मुश्किल. दिस इज द टिप नंबर 1. अगर विश्वास नहीं होगा तो वेट लॉस ही किया माई डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज पॉसिबल. क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने के पहले हमें खुद पर रखना होता है विश्वास, तभी जाकर भगवान हमारी मदद करते हैं. क्योंकि जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हमारे प्लान्स ऑटोमेटिकली सेट होने लगते हैं, हमें उनको एग्जीक्यूट करने की ताकत मिलती है. तो इसे हमेशा न भूलिएगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टिप. टिप नंबर 2 इज दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू बी डूइंग ओवर हियर इज टेक अ बुक और अ डायरी विच यू हैव टू बी यूजिंग ऑन रेगुलर बेसिस एज योर कंपेनियन. यानी कि आपको एक डायरी लेनी है, जो भी आपकी फेवरेट, हमारी गर्ल्स की एक ऐसी आदत होती है, हमें अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि अट्रैक्टिव डायरीज, कार्टून वाली डायरीज या वॉट एवर आपको पसंद है, चाहे वो बुक हो डायरी है, आप लीजिए बस हाथ में और हमेशा उसको अपना कंपेनियन, अपना दोस्त बनाकर रखिएगा. क्योंकि उसमें आपको ढेर सारी बातें मेंशन करनी पड़ेंगी. थोड़े लोगों का ऐसा होता है कि दिमाग में ही वो सारा कुछ रखते हैं फ्रेम करके, सो उनको अगर डायरी नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर डायरी लेंगे आप तो आपको बेटर रहेगा उसमें नोट डाउन करने के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ऑफ ग्रेट हेल्प एज एन ऑर्गेनाइजर. सो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड माई डियर फ्रेंड्स. ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है अपना काम. सो लेट अस सी वॉट वी हैव टू नोट डाउन इन इट. सो यू हैव टू नोट डाउन इन इट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको लिखनी पड़ेगी एक लाइन, एक सेंटेंस जिसमें आपको मैंशन करना है कि आई एम वेरी ब्यूटिफुल एंड फिट. ये रहेगा आपका फर्स्ट लाइन. डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव हर सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी जाकर हमें अच्छे हेल्दी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे. नेक्स्ट आपको उसमें मेंशन करना है अपना प्रेजेंट करंट वेट, आपका कितना वेट है. वो अगर आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा. अपने घर पर मशीन, वेइंग मशीन है तो उसमें चेक कर लीजिएगा, नहीं तो नज़दीकी कहीं पर आपको अवेलेबल है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर दीजिएगा. और डायरी में आपको मेंशन करना है अपना वेट. नेक्स्ट आपको मेजरमेंट टेप लेनी है, अगर आपसे आपके पास है तो वेल एंड गुड. आपको मेजरमेंट टेप लेनी है, आपके आर्म्स, वेस्ट, हिप्स, थाइस और काव्स के मेजरमेंट्स लेने हैं इन इंचेस.
सो आप ये ज़रूर कीजिएगा। अगर मेजरिंग टेप ना आपके पास हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हैं कि आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स यू कैन टेस्ट बाय यूजिंग योर ओल्ड टी शर्ट्स और जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं, उन कपड़ों को पहनकर आप देख सकते हो कि आपको लूज़ हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, उस पर आपको मेजरमेंट्स मिल जाएंगी। सो नथिंग टू वरी अबाउट। लेट अस सी व्हाट इज टिप नंबर थ्री। टिप नंबर थ्री हमारा है माय डियर फ्रेंड्स, मेक अ रूटीन शेड्यूल ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। यानी कि आप जो भी दिन भर में काम करते हैं, पूरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक, मंडे से लेकर संडे तक जो भी आपके काम है, थोड़े लोग दिमाग में भी रूटीन शेड्यूल बना सकते हैं, थोड़े लोगों को अगर डायरी में पेज पर मेंशन करके रखना है तो वे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको चेक करना है इन दैट शेड्यूल विच टाइम कैन बी गिवन फॉर योर वर्कआउट्स। कौन सा टाइम समय आप दे सकते हो अपने वर्कआउट्स को, मॉर्निंग या इवनिंग्स। मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग्स में वर्कआउट करना, हालांकि मैं इवनिंग्स में भी करती थी, लेकिन माय बेस्ट टाइमिंग फॉर वर्कआउट्स इज़ मॉर्निंग्स। इसमें एक एडवांटेज है, गुड पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि मॉर्निंग्स में अगर हम अपने वर्कआउट्स कंप्लीट करते हैं तो हमें टेंशन नहीं रहता है, स्ट्रेस नहीं रहती है कि हमें इवनिंग्स में करने हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करने के बाद उन्हें थकावट महसूस होती है इवनिंग्स में, उनसे नहीं हो पाता है वर्कआउट्स। सो मॉर्निंग में करने से वे पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे और टेंशन भी नहीं रहेगा कि हमने वर्कआउट आज का नहीं कम्प्लीट किया है। सो मॉर्निंग टाइम इज़ अ बेस्ट टाइम आई वुड फील। अगर आपके कम्फर्ट जोन में इवनिंग टाइम्स को है तो इवनिंग्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। If not more hours, then at least 30 minutes आपको per day के basis पर आपने आपको देना है workout के लिए with one day break। बहुत जल्द मैं workouts के बारे में भी आपको separate video बनाकर मैं information देने वाली हूँ दोस्तों, कि आपको break के दिन में कौन सी workout करनी चाहिए। यानी कि actually on break day, यानी कि जब आपने body को rest day होगा, break day मतलब, तब आपको सिर्फ normal stretches करनी enough होगी, क्योंकि आपके बॉडी मसल्स को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, उन्हें भी वापस पूरे फुल फॉर्म में वापस आना है एक नए चैलेंज वर्कआउट को लेकर, तो उन्हें भी थोड़ा रेस्ट, अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाकर हमें रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें पेशेंटली यानी कि आराम से सब कुछ करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। सो रिमेंबर दिस टिप नंबर थ्री। नाउ टिप नंबर फोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, रिमेंबर दैट हेल्दी वेट लॉस जर्नी इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन लाइफ में रहेगा तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। अभी डिसिप्लिन मतलब क्या, रिमेंबर दैट डाइट एंड वर्कआउट्स गो हैंड इन हैंड। डाइट रहता है अगर 80% 70%, तो वर्कआउट बनते हैं 30-20% के। यानी कि सिर्फ डाइट पर कॉन्सेंट्रेट करके या ओनली वर्कआउट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके आपको वेट लॉस नहीं मिल पाएगा माई डियर फ्रेंड्स। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। डाइट एंड वर्कआउट टुगेदर काउंट्स फॉर 100%, विच इज इक्वल टू डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन मतलब यहाँ पर हमें रखना है खुद पर विश्वास कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से होगा और होगा ही होगा। तो माई डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज आर टिप नंबर फोर। सो माई डियर फ्रेंड्स, हमारा टिप नंबर फाइव है वर्कआउट्स और फूड दोनों को अभी हम कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। जैसा कि मैंने कहा था, फूड अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वर्कआउट्स नहीं हो पाएंगे, वर्कआउट्स कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, फूड लेस लेंगे तो बॉडी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफिशियंट बन जाएगी। तो दोनों को हमें अगर हम कंपेयर करें तो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। तो लेट्स सी अबाउट फूड। सी दैट यू स्टार्ट ईटिंग क्लीन, नो जंक फूड ऑन रेगुलर बेसिस। ऑफकोर्स यू कैन फॉलो चीट डेज वीकली वंस और ट्वाइस। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको क्लीन फूड लेना है, यानी कि हेल्दी फूड खाना है। रेगुलर बेसिस पर आप जंक फूड नहीं खा सकते हो। अगर जंक फूड मंडे टू संडे रेगुलर बेस पर खा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस। और आप जंक फूड ले सकते हो, लेकिन वीकली हफ्ते में एक बार या दो बार आप बीच में ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को दूर रखना है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी आपको हेट करना शुरू कर देगी कि क्या भाई इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो हमें, हम तो जंक फूड एटलीस्ट वीकली एक दिन या दो दिन तो खा सकते हैं ना। ऐसा करके आपकी बॉडी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। इसलिए यू ऑल कैन ईट चीट मील्स लाइक वंस और ट्वाइस वीकली, लेकिन रेगुलर पर तो बिल्कुल नहीं खाना है। आपको इस बात का ध्यान देना है, खुद को डिसिप्लिन बनाए रखना है माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट यू गेट वेरी हेल्दी इफेक्टिव रिजल्ट्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट, नो स्टार्विंग। इस बात का आपको ध्यान देना है,
कि आप भूखा तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। बहुत लोग ये गलती करते हैं वेट लॉस जर्नी में कि वो खुद को भूखा रखते हैं कि कहीं मैंने ये खा लिया तो मैं मोटी ना हो जाऊँ, कहीं मैंने वो खा लिया तो मेरा वेट वापस ना बढ़ जाए। माई डियर फ्रेंड्स, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस, हमारी बॉडी को अगर हम वर्कआउट्स देते हैं तो साथ में खाना भी अच्छा खाना पड़ता है। इस बात को आपका देना है ध्यान। सो नो स्टार्विंग, बिल्कुल भूखा नहीं रहना है। ईटिंग एंड एंजॉइंग हेल्दी फूड इज़ अ की टू सक्सेस ओवर हियर। अच्छे से खाओ, मस्त खाओ, लेकिन हेल्दी फूड खाओ। नेक्स्ट जाते हैं हम वर्कआउट्स पर। वर्कआउट्स में अभी क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी पड़ने वाली है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर बॉटल। येस माई डियर फ्रेंड्स, बॉटल जिसमें हमें वाटर लेना है और हमें वो सिप सिप कर पीना है जब हम वर्कआउट्स शुरू करेंगे। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि कई लोग ऐसा करते हैं जब वर्कआउट्स करते हैं तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, या तो फिर पानी पीते हैं तो पूरी बोतल घटक करके एक ही झटके में फिनिश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, हमारी मसल्स टायर्ड हो जाती है, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत पसीना आता है वर्कआउट्स में। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम पी लें इन बिटवीन वर्कआउट्स, सो दैट वी डोंट फील डिहाइड्रेटेड और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। जो भी हम वर्कआउट्स करते हैं उसे सक्सेसफुली हम कर पाएँ। नेक्स्ट है प्रॉपर कंफर्टेबल वर्कआउट क्लोथ्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आपको कंफर्टेबल प्रॉपर क्लोथ्स पहनने हैं वर्कआउट्स में, ताकि आपको डिसकंफर्ट ना हो, आप आसानी से अपने जो भी है वर्कआउट्स कर पाएँ। कंफर्टेबल वर्कआउट क्लोथ्स के बारे में और एक सेपरेट वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगी माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट यू गेट लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन एंड आइडिया ऑन इट। नेक्स्ट है शूज़। आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे शूज़ पहने, ऐसे शूज़ मत पहने जो अगर आप इंडोर कर रहे हैं वर्कआउट्स तो ऐसे शूज़ नहीं होने चाहिए कि आपके फ्लोर पर बार बार वो स्लिपरी हो जाए और आपको अपने वर्कआउट्स पर कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो इसलिए शूज़ भी प्रॉपर पहनना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो टू द जिम, देन आपको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर अपने खुद के घर पर आप रहकर यू कैन इन्जॉय योर रेगुलर वर्कआउट्स माई डियर फ्रेंड्स। इस बात का आपको देना है ध्यान, क्योंकि मैंने जब मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तब मैंने जिम बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन किया था, ना ही मैं अभी जिम जा रही हूँ, मैं जिम अभी भी नहीं जा रही हूँ माई डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा काम कुछ बहुत ज़्यादा होता है, जिम में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आई कंबाइन एवरीथिंग इन माई वर्कआउट्स एट होम इट सेल्फ एंड फ्रॉम 72 kgs आई हैव ड्रॉप डाउन टू 49 kgs एट माई होम विथ माई मॉम्स ब्लेसिंग्स, विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड ग्रेट बिलीफ। सो आपको भी घर पर रहकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको कंबाइन करना पड़ेगा कार्डियो, बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा। स्लोली स्लोली मैं सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी माई डियर फ्रेंड्स, एंड आई आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, इसका भरोसा रखिए माई डियर फ्रेंड्स। सो ये थी हमारी टिप नंबर 5। तो माई डियर फ्रेंड्स, वर्कआउट्स चाहे कोई भी हो, चाहे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, जिम में जाकर, घर पर, कोई भी वर्कआउट हो, वर्कआउट इज़ वर्कआउट माई डियर फ्रेंड्स, एंड यू हैव टू गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्कआउट्स टू योर बॉडी। एट होम ऑल्सो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, एट होम यू कैन इफेक्टिवली डू इट एंड गेट वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट्स। येस माई डियर फ्रेंड्स। सो नाउ माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you are new to this channel, please do not forget to subscribe my channel and hit on the notification bell button so that you get notified every time I upload a new video. So till we meet again, keep smiling, keep rocking, stay fit, stay happy. Love you all. Bye.